खुलते ही शेयर बाजार हुआ धड़ाम। सेंसेक्स 3000 अंक से ज्यादा गिरा तो निफ्टी ने भी दर्ज की 900 अंक से ज्यादा की गिरावट। लोअर सर्किट लगने के कारण एक घंटे तक बंद रही ट्रेडिंग, दोबारा खुलने के बाद शेयर बाजार में दिखा मामूली सुधार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। देश में कोरोना का ताजा मामला लेह में आया है, जहां मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत में कोरोना से पहली मौत की पुष्टि, कर्नाटक के कलबुर्गी में रहने वाले शख्स की मौत। कुछ दिन पहले ही जेहा से लौटे थे 76 साल के शख्स। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामुलु ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। ईरान में फंसे करीब 200 भारतीयों को मुंबई लाया जाएगा। सभी को पहले एयरपोर्ट के आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा, फिर उन्हें भारतीय सेना के विशेष विमान से जैसलमेर ले जाकर क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशत से बचें, सावधानियों को अपनाएं। मंत्रियों की विदेश यात्रा पर लगाई गई रोक। महाराष्ट्र के पुणे में मलेशिया की यात्रा से लौटे परिवार की बढ़ी मुश्किलें। कोरोना के डर से कॉलोनी के लोगों ने उन्हें सोसाइटी से अलग रहने की मांग को लेकर पुलिस से की शिकायत। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में राज्य का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। 6 मार्च को ही पीड़ित विदेश से लौटा है। अस्पताल में भर्ती होने से 5 लोगों से मिला था पीड़ित, सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। कोरोना को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट। सीएम भूपेश बघेल ने आपात बैठक कर 31 मार्च तक प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का दिया आदेश। लोगों को सतर्क रहने और सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ भाड़ से बचने की दी गई हिदायत। कोरोना वायरस के कारण यूपी के आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग टली। हैदराबाद और सिंगापुर में 16 मार्च से 24 अप्रैल तक होने वाली थी ट्रेनिंग। नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने कोरोना के खौफ को देखते हुए किया ट्वीट। नोएडा के सभी स्कूल और सिनेमा घरों को कुछ दिनों तक बंद रखने की अपील की। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना वायरस के 2 और पॉजिटिव केस मिले। कोरोना से पीड़ित दोनों मरीज बाप बेटे, दोनों को सफदरजंग अस्पताल में किया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में इटली के 3 नागरिकों को देखकर दहशत में आए लोग। कोरोना के डर से लोगों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने इटली के 3 नागरिकों को सुरक्षा की दृष्टि से वहां से निकाला। लेह में कोरोना वायरस का एक और केस आया सामने। लेह में कोरोना के अभी तक 3 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। बिहार के गया में कोरोना वायरस का 7वां संदिग्ध मरीज मिला। संदिग्ध मरीज को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। उत्तराखंड में कोरोना का असर, 31 मार्च तक 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, हालांकि बोर्ड की परीक्षा जारी रहेगी। लोगों में कोरोना का डर इतना बढ़ गया है कि अब विदेशियों को वाराणसी में ही उतरे विदेशी पर्यटक। लखनऊ में भारत साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच पर भी कोरोना का साया। बिना दर्शकों के ही खेला जाएगा मैच, एहतियातन उठाया गया कदम। कोरोना वायरस से निपटने का महानायक ने सिखाया देसी तरीका। अवधि में कविता पढ़कर कोरोना को दिखाया ठेंगा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर और तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन को हुआ कोरोना। केन आईपीएल में विराट कोहली की टीम से खेलने वाले थे। नेपाल सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए एवरेस्ट की चढ़ाई पर लगाई रोक। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने पहुंचे सभी पर्वतारोहियों के परमिट को किया निलंबित। कोरोना को फैलता देख न्यूयॉर्क में घोषित की गई इमरजेंसी। न्यूयॉर्क में कोरोना के 95 केस सामने आ चुके हैं। लोगों को भीड़ भाड़ से दूर रहने की दी गई सलाह। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी को भी हुआ कोरोना। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से लौटी हैं सोफी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को अमेरिका दौरे पर आए आयरलैंड के प्रधानमंत्री से नमस्ते करके किया अभिवादन। उन्होंने कहा कि ये उन्हें भारत ने सिखाया है, कोरोना से बचने के लिए नमस्ते का सहारा ले रही है दुनिया। तुर्की में 16 मार्च से स्कूलों को 1 सप्ताह और विश्वविद्यालयों में 3 सप्ताह के लिए बंद रखने का ऐलान। अप्रैल के अंत तक होने वाली सभी खेल प्रतियोगिताएं बिना दर्शकों के खेली जाएंगी। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हिंसा में शामिल दंगाइयों और हिस्ट्री शीटर के कई मोबाइल फोन पुलिस को मिले। पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने व्हाट्सएप, फोन कॉल और मैसेज भेजकर लोगों को हिंसा फैलाने के लिए बुलाया। पुलिस ने सभी मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने ताहिर हुसैन के 2 करीबियों गुलफाम और तनवीर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों भीड़ में शामिल होकर पत्थरबाजी कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड की जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही दिल्ली दंगों में अब तक 1922 लोग दंगाई चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 336 लोग यूपी से बुलाए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने एनपीआर पर राज्यसभा में दिया जवाब, कहा देश में एनपीआर से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, एनपीआर को लेकर कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। दिल्ली पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के आरोप में 7 गिरफ्तार, दंगों में अब तक 712 FIR, 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एनआईए ने गुरुवार को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में 9 आरोपियों को पेश किया, कोर्ट में मामले की आज भी होगी सुनवाई। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख, 26 मार्च को होगा चुनाव, उसी दिन आएंगे नतीजे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा के लिए दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। नामांकन से पहले सिंधिया बीजेपी कार्यालय जाएंगे और महापुरुषों के चित्रों पर मालापर्ण करने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना होंगे। भोपाल में सिंधिया का कांग्रेस पर खुलकर निशाना, कहा मैं सही को सही बताने वाला व्यक्ति हूँ, अटल जी और मोदी की तरह मेरा भी लक्ष्य जनसेवा है, राजनीति नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कथित घोटाले की फाइल खोलने की तैयारी में एमपी की कमलनाथ सरकार, नई शिकायत के बाद जांच में जुटी ईओडब्ल्यू। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन ने सिंधिया पर कसा तंज, कहा अगर लड़ाई सम्मान की होती तो विभीषण और अमर्यादित शब्द बोलने वालों के साथ सिंधिया खड़े नहीं होते। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी के नेता सदमे में, राशिद अलवी ने कहा सिंधिया ने जल्दबाजी कर दी, लेकिन हमें भी विचार करना पड़ेगा कि सिंधिया आखिर क्यों गए। राजस्थान के जयपुर में रिजॉर्ट में टिके मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक निकले धार्मिक यात्रा पर, खाटू श्याम जी और सालारसर बालाजी धाम जाएंगे कांग्रेसी विधायक। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बोले राहुल गांधी, राजनीतिक भविष्य को लेकर डरे हुए थे सिंधिया, अपने फैसले पर पछताएंगे, विचारधारा से भटक गए हैं, दिल में कुछ और है, जुबां पर कुछ और। मध्य प्रदेश कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बेंगलुरु में विधायकों से मिलने गए जीतू पटवारी और लखन सिंह यादव से की गई मारपीट, विधायकों से नहीं मिलने दिया गया। एमपी में मचे सियासी बवाल के बीच जयपुर में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने दिया बयान, जीतू पटवारी ने महेंद्र चौधरी से उनके पिता के जरिए बात की, इस दौरान गुंडागर्दी की गई, भारत के लोकतंत्र को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। निर्भया के दोषी पवन गुप्ता के साथ कथित मारपीट मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंडोली जेल प्रशासन से मांगा जवाब, कोर्ट ने पूछा है कि क्या वाकई ऐसी घटना हुई थी और अगर हुई थी तो क्या कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सेना ने सरकारी स्कूल को दिए 5 कंप्यूटर और फर्नीचर, इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक हुए खुश। आगरा एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण में अरबों के घोटाले की आशंका, ईओडब्ल्यू ने 10 जिलाधिकारियों से मंगवाए कागजात। यूपी की राजधानी में शुरू हुआ पोस्टर वॉर, सरकार के कथित दंगाइयों के पोस्टर के बाद समाजवादी पार्टी ने रेप के दोषी और आरोपी नेताओं के पोस्टर लगाए। 25 मार्च को अयोध्या में रामलला को नए अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा, इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओले गिरे, आकाशीय बिजली गिरने से कई घायल। नोएडा में एक कैंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, स्विफ्ट गाड़ी से उतरे चोर वाटर प्लांट में खड़े कैंटर को चुरा कर ले गए, चोरी की वारदात प्लांट पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के बहराइच में गश्त के लिए जंगल में निकले एक वनकर्मी पर बाघ ने किया जानलेवा हमला, घटना के 22 घंटे बाद वनकर्मी का क्षत विक्षत शव जंगल से बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 10वीं बोर्ड का पेपर हुआ आउट, परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ गणित का पेपर। मध्य प्रदेश के धार मॉब लिंचिंग केस में एक और आरोपी गिरफ्तार, टेमरिया से पकड़ा गया नाबालिग आरोपी, अब तक 41 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 5 फरवरी को मनावर में भीड़ ने पीट पीट कर एक शख्स की ली थी जान। मध्य प्रदेश के सागर में आपसी झगड़ा सुलझाने गई पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है, इस दौरान कुछ बदमाशों ने पुलिस पर कट्टे से फायरिंग की।
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे सुदेश महतो, आज होगी मुलाकात। आज सूखे दो वोट काफी अहम। झारखंड के कोडरमा में पिकअप वैन को अज्ञात वाहनों ने मारी टक्कर, दो लोगों की मौत। तो रांची में बस ट्रक की टक्कर में दो की मौत, 14 घायल। झारखंड के लातेहार जिले में बिल न चुका पाने पर एक प्राइवेट अस्पताल ने बाघ के हमले का शिकार बने आदिवासी का शव देने से किया इनकार। मृतक की पत्नी ने बकरियों को बेचकर अस्पताल का बिल भरकर शव को किया हासिल। राजस्थान के नागौर में 2 किलो 60 ग्राम सोने के साथ पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। जब्त की गई सोने की कीमत 90 लाख रुपए। पंजाब के अमृतसर में 50 करोड़ की हेरोइन बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जनसेना बीजेपी ने अपना कॉमन विजन डॉक्यूमेंट किया जारी। आंध्र प्रदेश में दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेंगी निकाय चुनाव। तेलंगाना में दो राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए टीआरएस ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। टीआरएस ने डॉक्टर केशव राव और आंध्र प्रदेश के पूर्व स्पीकर सुरेश रेड्डी को बनाया उम्मीदवार।